हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त ऋत्विक और स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको अपने यूट्यूब शॉर्ट्स के ज़रिए बताया था कि थाईलैंड ने जो है वो ऐसी 46 कंट्री अनाउंस कर दिए जिनके लोग जो है वो 1 नवंबर से थाईलैंड में विदाउट क्वारंटाइन ट्रैवल कर सकते हैं, जिसमें अनफॉर्चुनेटली अपने इंडिया को शामिल नहीं किया गया है। तो चलिए ये वीडियो में यही जानने की कोशिश करते हैं कि अपने इंडिया का नाम ये लिस्ट में क्यों नहीं है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही ये न्यूज़ सुनी कि 46 कंट्री का नाम जो है वो थाईलैंड गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है जो कि 1 नवंबर से क्वारंटाइन फ्री थाईलैंड में ट्रैवल कर सकती है और इसमें अपना इंडिया का नाम कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है, तो अपने बहुत सारे इंडियंस को और पर्सनली मुझे भी यहाँ पे बहुत दुख हुआ कि अपने इंडिया को जो है ये लिस्ट में शामिल क्यों नहीं किया गया। और यही जानने के लिए मैंने अपनी रिसर्च चालू कर दी और मैंने जो है वो सभी न्यूज़ में देखा, सभी आर्टिकल पढ़े, लेकिन कहीं पर ये मेंशन नहीं था कि इंडिया को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया। और उसके 2 दिन बाद ये न्यूज़ आती है कि थाईलैंड के ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस है जिनको जो है वो रशिया और इंडिया से टूरिस्ट चाहिए और उनके लिए वो लोग भारी मात्रा में रशिया और इंडिया को क्वारंटाइन फ्री ट्रैवल करने की डिमांड कर रहे हैं। और जब ये क्वेश्चन आया कि इंडिया और रशिया को ये 46 कंट्री के लिस्ट में शामिल क्यों नहीं किया गया, तो मिस्टर थानेट जो कि छोनबुरी टूरिज्म काउंसिल के एक्टिंग प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि रिसेंटली रशिया में कोविड-19 के केसेस ज्यादा मात्रा में बढ़ने की वजह से रशिया को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। और इंडिया के बारे में ये कहा गया कि इंडिया जो है वो कोवैक्सीन का यूज कर रही है जो कि WHO द्वारा अप्रूव नहीं है, इसीलिए इंडिया का नाम ये लिस्ट में नहीं है। और जो भी लोग इंडिया से थाईलैंड में ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए क्वारंटाइन जो है वो मैंडेटरी है। और ये जो बात है वो सच है, क्योंकि जैसे ही आप WHO की साइट पे जाओगे और अप्रूव वैक्सीन का जो है वो लिस्ट देखोगे तो इसमें WHO के द्वारा अप्रूव जो वैक्सीन है वो है एस्ट्राजेनेका जो कि इंडिया में कोविशील्ड है, जॉनसन एंड जॉनसन, मॉडर्ना, फाइजर, सिनोफार्म और सिनोवैक। तो ये लिस्ट में जो है वो कोवैक्सीन का नाम कहीं नहीं है, क्योंकि कोवैक्सीन जो है वो WHO के वैक्सीनेशन के क्राइटेरिया को मैच नहीं कर पा रहा। यहाँ पे अगर मैं मेरा ओपिनियन दूँ तो जिन लोगों ने कोविशील्ड या तो WHO के द्वारा अप्रूव वैक्सीन ली है, कम से कम उन लोग के लिए थाईलैंड गवर्नमेंट को थाईलैंड में क्वारंटाइन फ्री ट्रैवल करने की परमिशन दे देनी चाहिए। लेकिन अभी तक इंडियन के लिए क्वारंटाइन फ्री थाईलैंड में ट्रैवल करने के लिए कोई न्यूज़ नहीं आई है। अगर आप थाईलैंड में अभी ट्रैवल करना चाहते हो और आप जो है वो फुली वैक्सीनेटेड हो, फिर भी आपको जो 7 डेज का क्वारंटाइन मैंडेटरी करना होगा। जैसे ही थाईलैंड के बारे में कोई नई अपडेट आती है तो मैं आपको वीडियो के जरिए तो अपडेट करता ही रहूंगा, लेकिन कभी कभी वीडियो बनाने में जो है वो 1 से 2 दिन का टाइम लग जाता है, तब तक तो जो है वो न्यू अपडेट आ जाती है। तो यही क्विक अपडेट के लिए मैंने अपना नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है जो कि Mr_Root07 है, तो आप वो वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और जैसे ही थाईलैंड के बारे में कोई नई अपडेट आती है तो मैं आपको वहाँ पे पोस्ट या तो स्टोरी के जरिए अपडेट करता रहूंगा। और अगर आपको थाईलैंड के रिलेटेड कोई और क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, तो आपके क्वेरी का आंसर मैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दूंगा। ये वीडियो से रिलेटेड जो भी लिंक्स जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो अगर आपको मोर डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। और अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।